एज ए यूट्यूबर आपको यूट्यूब के रूल सारे पता होने चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म यूट्यूब पर काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई कॉपीराइट के बेसिक्स रूल क्या होते हैं, और आज की वीडियो में बताऊंगा कि भाई ट्रेडमार्क स्ट्राइक क्या होती है। अगर आपको नहीं पता कि यूट्यूब पर ट्रेडमार्क स्ट्राइक कैसे आती है और कौन लोग उसे दे सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। तो दोस्तों देखिए, कॉपीराइट में तो ये होता है कि अगर हम किसी का कंटेंट यूज करते हैं, जैसे इमेज, विजुअल या फिर ऑडियो, तो सामने वाला यूट्यूब को रिपोर्ट करता है और हमको कॉपीराइट मिल जाता है। और इसमें लीगली भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को ही रिपोर्ट करना होता है और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जाता है। लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा होता है कि आपने भले ही किसी का कॉन्टेंट यूज नहीं किया है, लेकिन आपने किसी का कुछ ऐसा यूज किया है जिसका ट्रेडमार्क उसने रजिस्टर्ड करवा रखा है, जैसे कि कंपनी का नेम हो गया, उसका लोगो हो गया। मान लीजिए मेरा एक चैनल है टेक्निकल योगी, अगर मैं उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेता हूं तो टेक्निकल योगी जो नेम है वो ट्रेडमार्क आ जाएगा, उसका जो लोगो है उसको आप अपनी वीडियो में यूज नहीं कर पाओगे। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके जो लोगो होते हैं और जो नेम होते हैं उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ होता है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप एक सही वे में वीडियो बनाते हैं और किसी का ट्रेडमार्क यूज करते हैं, तो शायद सामने वाला भी आपको ना तो ट्रेडमार्क स्ट्राइक देगा और ना ही इस पर लग सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी का लोगो यूज करते हैं, आप किसी का नेम यूज करते हैं और कुछ ऐसी वीडियो बनाते हैं जैसे एक्सपोज या कोई गलत जानकारी फैलाते हैं, ऑडियंस के मन में कोई भ्रम पैदा करते हैं, उसके लिए तो वो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। अभी लीगल एक्शन क्या होता है वो आप समझ लीजिए और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। अगर सामने वाला लीगल एक्शन लेकर एक लीगल जो कॉपी होती है वो यूट्यूब को भेजेगा, तो यूट्यूब आपका वीडियो हटा देगा अगर आपने ऐसा किया है तो। अगर मैं मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल योगी की बात करूं, तो पहले मैं संडे कमेंट बॉक्स बनाया करता था, बहुत पहले, तो मैं लोगों के नाम लिया करता था और उनके लोगो भी दिखाया करता था। हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपने लोगों को ट्रेडमार्क नहीं करवाते, फिर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मेरे वीडियोज में बहुत सारे लोगोज मैंने यूज किए थे। लेकिन अभी मैं किसी का लोगो यूज नहीं करता हूं। अभी अगर हाल ही की बात करूं तो कुछ दिन पहले की बात है, ओल्ट बालाजी का एक मैटर आया था जिसमें एकता कपूर वाली जितनी भी वीडियो थी वो हटा दी गई थी। एक्चुअल में वो सारी कहानी ट्रेडमार्क स्ट्राइक के थ्रू ही की गई थी। तो अगर आप किसी का भी लोगो यूज करते हैं, किसी कंपनी का, किसी का नेम यूज करते हैं किसी भी कंपनी का जिसमें आपको लगता है कि उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, और आप गलत वे में वीडियो बनाते हैं, तो वो आपको ट्रेडमार्क स्ट्राइक दे सकते हैं और आपका वीडियो यूट्यूब से रिमूव किया जा सकता है। अगर इस रूल के बारे में आपको पहले से नहीं पता था तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को आज एक नई बात पता चली है। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।